ये मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा का है, जहां एक प्रेमिका चाहती थी कि वो हर हाल में अपने प्रेमी से शादी करेगी। उसने अपने प्रेमी से वादा भी किया कि मैं मर भी गई तो भी तुमसे शादी करूंगी। इसके कुछ ही दिन बाद प्रेमिका की हत्या कर दी गई। खुद इस प्रेमी ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या कर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की लाश जंगल में दफना दी। प्रेमी को लगा कि अब उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन इसके आगे जो हुआ उस पर न सिर्फ पुलिस हैरान हो गई, बल्कि आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल गोपाल खड़िया का अंजू के साथ प्रेम संबंध था। ट्रैक्टर चालक गोपाल युवती को घर से भगा ले गया। युवती के परिजनों ने युवती के लापता होने की पुलिस को सूचना दी। इधर आरोपी गोपाल युवती को अपने रिश्तेदारों के घर पर छिपा कर रखा और फिर एक दिन गोपाल ने युवती को मौत के घाट उतार दिया। युवती को मौत के घाट उतारने के बाद शव को रिजदी के पास जंगल में दफना दिया। हैरानी की बात तो यह है कि घटना के 8 महीने बाद प्रेमी ने खुद अपना गुनाह कबूल किया। हत्या को कबूलने की वजह प्रेमी द्वारा युवती के भूत का डर है। हत्यारे प्रेमी को लगने लगा है कि उसकी प्रेमिका का भूत उसे मार डालेगा, इसलिए उसने पुलिस को सब कुछ बताया। वही इस मामले पर क्या कुछ कहना है पुलिस का सुनिए। क्षेत्र के अंतर्गत सर जो कंकाल मिली सर, उसका मामला क्या था सर? पिछले दिनों रामपुर थाने में एक शिकायत प्राप्त हुआ था कि उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी जो लड़की है किसी के साथ गई हुई है, लेकिन जब उस लड़के के पास उन लोग गए तो वो आनाकानी कर रहा है और घर से भगा दे रहा है। जिस पर से इनको डाउट होने पर इन्होंने रामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर संबंधित व्यक्ति को बुलाया गया, उसे पूछताछ की गई। प्रारंभिक दौर में वो अलग अलग प्रकार के बयान जो दे रहा था उसके आधार पर गुम इंसान रामपुर में दर्ज कराए गए। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि 1 साल पहले ही उस लड़की को गला दबा के मार दिया था, क्योंकि वो लड़की उसके ऊपर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। साथ में उसको एक जगह पे वो दफना दिया था, उसको छुपा दिया था, जिस पर से आज दिनांक को डेड बॉडी रिकवर की गई है और परिजनों के द्वारा उनके पायल के माध्यम से लड़की की शिनाख्त की गई है। साथ में इनके FSL के लिए DNA टेस्टिंग और DNA सैंपल FSL भेजा गया है, जिसमें रामपुर थाने में हत्या और जुर्म को छुपाने पर से FIR दर्ज किया जाएगा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस युवती को पुलिस 8 महीनों से खोज रही है, खुद उस युवती के हत्यारे ने पुलिस के सामने आकर अपना जुर्म कबूल कर लिया, ये कहकर कि उसकी प्रेमिका का भूत उसे सताता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोरबा से इमरान मलिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।